दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अलका हॉबी जंक्शन में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वेट लॉस सैंडविच की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और आपका वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ब्रेड लिए हैं, जो कि मल्टीग्रेन, ये देख सकते हैं आप, ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में या बेकरी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब मैंने कर्ड लिया है, कर्ड का आप पानी बिल्कुल निकाल लें, ये बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा प्याज डालेंगे, मैंने आधा बारीक कटी प्याज डाली है। थोड़ा सा कुकुम्बर डालेंगे, आप चाहे तो इसमें कैरोट भी डाल सकते हैं, पर उसे घसकर डालें। ऐसे तो सैंडविच वेट लॉस में बहुत तरह की बनती है, पर ये सबसे इजी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वर्किंग होते हैं, वो सुबह सुबह इतना जल्दी ब्रेकफास्ट बना नहीं पाते, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। मैंने इसमें कुकुम्बर और ओनियन डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे, इससे थोड़ा इसका फ्लेवर इटालियन आता है। अगर आपके पास मिक्स हर्ब और ऑरिगेनो ना हो तो आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप थोड़ा तीखा खाना चाहें तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आप इसे रेगुलर बना रहे हो तो मैं तो बोलूंगी आप चिली फ्लेक्स मत डालना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं होता है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें इसको ब्रेड में स्प्रेड करेंगे, इस तरह से पूरे ब्रेड में लगा लें। सॉरी, मैंने तो इसमें नमक डाला ही नहीं है, थोड़ा सा आप नमक भी ऐड कर लें, इसमें भी नमक स्प्रिंकल कर लें। नमक आप तभी डालें जब आपको सैंडविच बनाना हो, आप इसे पहले से डालकर नहीं रख सकते हैं, नहीं तो यह पानी छोड़ देगा। आप ये पेस्ट पहले से बनाकर रख लें, लेकिन जब सैंडविच बनाए तभी इसमें नमक डालें। ये देखिए इस तरह से मैंने स्प्रेड कर रखा है। अब हम इसके ऊपर ब्रेड की दूसरी लेयर लगा देंगे इस तरह से। अब मैं अपनी दूसरी सैंडविच बना रही हूँ, इसके लिए भी मैंने मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है और धनिया और पुदीने की चटनी ली है। हर घर में धनिया और पुदीने की चटनी तो बहुत ही आसानी से मिल जाती है, खासकर गर्मियों में तो ये चटनी हमारे घर होती ही है। इसे भी ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ओनियन, कैप्सिकम, और थोड़ा सा पनीर ऐड करेंगे। सब्जियां आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। इस तरह से मैंने, इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं होती क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक होता है। अब इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर देते हैं। अब हम इसे भी कवर कर देते हैं। ये देखिए हमारे दोनों सैंडविच बन गई है। अब हम इसे ग्रिल कर देते हैं। आप इसे ऊपर से थोड़ा सा बटर लगा ले, अगर घर का देसी घी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब हम इसे ग्रिल होने को रख देंगे। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप तवे पे बिल्कुल लो फ्लेम में इसे ग्रिल कर सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे। आप चाहे तो बिना मक्खन के भी इसे बना सकते हैं, अगर आपको मक्खन नहीं लेना है तो। अब हम इसे ग्रिल करने को रख देंगे। अब हमारी सैंडविच ग्रिल हो रही है। ये देखिए हमारा ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। एक बात ध्यान रखें आप, कि अगर आप सैंडविच में बटर यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वो बटर लो फैटी हो, और पूरे दिन भर में आपको एक ही बार मक्खन या बटर एक ही बार लेना है। ऐसा नहीं कि आपने लंच में भी लिया, ब्रेकफास्ट में भी लिया, ऐसा नहीं करना है। इसी तरह
ये देखिए हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको वेट लॉस नहीं भी करना है तब भी आप इस सैंडविच को ले सकते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में और भी कुछ सैंडविच की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, ये देख सकते हैं। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में मेरी वीडियो को भी आप शेयर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको पता चले कि हाँ इस चैनल में कोई वीडियो अपलोड हुई है।